पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव सर पर है और उसके बाद लोकसभा चुनाव। ठीक उससे पहले भाजपा नेता महेश गिरी के जैन संतों पर दिए बयान से देश का जैन समुदाय आक्रोशित है। जैन समाज केंद्र की मोदी सरकार और गुजरात सरकार से मांग कर रहा है कि पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव महेश गिरी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पूरे देश में इस बयान से बवाल मचा हुआ है। बता दें कि महेश गिरी ने अपने भाषण में गुरु शिखर पर्वत पर चढ़ने वाले दिगंबर जैन साधुओं और श्रद्धालुओं के सर धड़क से अलग करने की धमकी दी है। आइए देखते हैं महेश गिरी ने किस शर्मनाक तरीके से यह बयान दिया। बाकी एक नागो बावो खाली एक नागो बावो निकलो ने धड़ पड़ी जाए ने तो गुरु शिखरे पहुंची ने बधु सफायो करतो जासे। हो जैसे जैसे महेश गिरी का यह भाषण वायरल होने लगा वैसे वैसे पूरे देश के जैन समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अब जैन समाज ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को ज्ञापन लिखा है और महेश गिरी पर कार्रवाई की मांग की है। जैन समुदाय का कहना है कि महेश गिरी ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। जैन समाज का कहना है कि पिछले 3 दिनों से जैन समाज में भारी आक्रोश है, लेकिन ना तो केंद्र सरकार सुनवाई कर रही है और ना ही राज्य सरकार। इसके अलावा प्रशासन भी किसी तरह से कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवा एकता संघ के अध्यक्ष अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे भारत में 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला जैन समाज भाजपा का पूर्ण बहिष्कार करेगा और सड़कों पर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी होगा।